का नाम वाचकनवी कारकी था। बृहदारण्यक उपनिषद में इनका ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार महाराज जनक ने श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी की परीक्षा के लिए सभा का आयोजन किया। राजा जनक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे महाज्ञानी जनों, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करते हुए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। सचमुच यह मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण कमल मेरे राज दरबार में पड़े हैं। मैंने यहाँ पर कुछ गायों को रखा है जिनके सींगों पर सोने की मोहरें जड़ी गई हैं। आप में से जो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हो वह इन स्वर्ण जड़ित सब गायों को ले जा सकता है। राजा जनक अपने आप में स्वयं परम विद्वान थे। वह अपने राज दरबार में अनेक गूढ़ प्रश्नों और विषयों के शास्त्रार्थ कराने के लिए जाने जाते थे। आज उन्होंने बड़ा गंभीर प्रश्न सभी ब्रह्म ज्ञानियों के समक्ष छोड़ दिया था कि आप में से जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हो वह इन स्वर्ण जड़ित गायों को यहाँ से ले जा सकता है। राजा के इस गंभीर प्रश्न को सुनकर सभी ब्रह्म ज्ञानी अतिथियों में से किसी का भी यह साहस नहीं हुआ कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी माने और उन स्वर्ण जड़ित गायों को वहां से ले जा सके। तब वहां उपस्थित ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी उपस्थित थी। याज्ञवल्क्य ने वहां पर उपस्थित सभी ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों के गूढ़ प्रश्नों का सटीक उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। तब उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी सामने आई। वह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध किए बिना उन गायों को वहां से लेकर चले जाएं। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं? इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, हे देवी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देखकर मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसे शब्द को सुनकर गार्गी को मानो अपने शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का एक उचित कारण और माध्यम मिल गया। वैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी मोह जैसे शब्द को वहाँ जानबूझकर ही व्यक्त किया था, क्योंकि वह भी वही चाहते थे कि उनसे कोई चर्चा करे और चर्चा का शास्त्रार्थ प्रारंभ करने के लिए कोई ऐसी बात होनी ही चाहिए जो शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का माध्यम बने। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसा शब्द सुनकर गार्गी ने ऋषि को चुनौती दी। तब उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य पर और भी करारा प्रहार करते हुए और अपने प्रश्न को धार देते हुए कहा, आपको मोह हुआ, यह उपहार प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। ऋषिवर, ऐसे में तो आपको यह सिद्ध करना ही होगा कि आप इस उपहार के योग्य हैं। यदि सर्वसम्मति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। यदि आप इनके संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करेंगे तो ही आप इस पुरस्कार के अधिकारी होंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य ने विदुषी गार्गी को स्वयं से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की। तब विदुषी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ लिया कि
हे ऋषिवर, जल में हर पदार्थ बड़ी सरलता से घुल मिल जाता है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह जल किस में जाकर मिल जाता है। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के इस प्रश्न का वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर देते हुए कहा कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। हम देखते ही हैं कि समुद्र से अतुलित जल मानसूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वायु में मिल जाता है। इसके पश्चात गार्गी का अगला प्रश्न था कि वायु किस में जाकर मिल जाती है। याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। अब गार्गी ऋषि याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में परिवर्तित करती चली जा रही थी। इस प्रकार गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, देव लोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक और ब्रह्म लोक तक जा पहुंची और अंत में गार्गी ने पुनः वही प्रश्न पूछ लिया कि यह ब्रह्म लोक किस में जाकर मिलता है। शास्त्रार्थ बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। एक विदुषी महिला ने ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क्य को हिला कर रख दिया। ऋषि याज्ञवल्क्य यह तो चाहते थे कि उन्हें कोई चुनौती दे और यहाँ पर शास्त्रार्थ हो, पर उन्हें यह पता नहीं था कि यहाँ पर गार्गी जैसी संस्कारों से सशक्त विदुषी महिला उन्हें इतना झकझोर कर रख देगी। गार्गी ने चाहे जितने भी प्रश्न ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछे, उन सब के पूछने के पीछे कारण यही था कि वह याज्ञवल्क्य ऋषि की सर्वोत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध कर देना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में कल्प कोई यह कहे कि वह गायों के सींगों के ऊपर लगे स्वर्णों के मोह में आकर गायों को ले गए। वास्तव में गार्गी यही चाहती थी कि सभी वित्त जन यह जान व मान लें कि याज्ञवल्क्य वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण ही उनका गायों पर अधिकार बनता है, परंतु इस अधिकार से पहले परीक्षा को वह हर स्थिति में आवश्यक मानती थी। गार्गी यह भी नहीं चाहती थी कि किसी ऋषि के मन में यह बात रह जाए कि वह संकोच वश ऋषि याज्ञवल्क्य का सामना नहीं कर पाए, अन्यथा वह उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सकते थे। गार्गी इस समय प्रत्येक प्रकार के संदेह और शंका का निवारण कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि आज जब राजा जनक ने ऋषियों के इस पवित्र सभा में वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी होने के प्रश्न को यहाँ पर उछाल ही दिया है, तो ऋषि याज्ञवल्क्य निर्विवाद सच्चे ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध हो जाए। अतः उन्हें स्वयं ने ही ऋषि याज्ञवल्क्य को गहरे रहस्यों से भरे प्रश्नों से घेरना आरंभ कर दिया। वह नहीं जानती थी कि उसके द्वारा पूछे जा रहे इन प्रश्नों से दुखी होकर ऋषि याज्ञवल्क्य खिन्न भी हो सकते हैं। जब गार्गी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी तो गार्गी को लगभग डांटते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा माथा ही फट जाए। वास्तव में अब गार्गी ने सृष्टि के संबंध में रहस्य भरे प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए थे, जिससे ब्रह्म ज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य स्वयं हतप्रभ रह गए। ऋषि याज्ञवल्क्य के मुंह से कुछ कठोर शब्द सुनने के पश्चात गार्गी ने उनके अहम की तुष्टि के लिए अपने आप को कुछ क्षणों के लिए मौन कर लिया, परंतु इसके पश्चात वह फिर प्रश्न करने की मुद्रा में आ गई। गार्गी ने ऋषि के सम्मान और अहम का पूरा ध्यान रखते हुए बड़ी सती सधाई शैली में पूछ लिया कि हे ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या विदेह का राजा अपने धनुष की डोरी पर एक साथ दो अचूक बाणों को चढ़ाकर अपने शत्रु पर संधान करता है, वैसे ही मैं आपसे दो प्रश्न पूछती हूँ। याज्ञवल्क्य ने अपने आप को संभालते हुए अर्थात कुछ संतुलित सा करते हुए कहा, हे गार्गी पूछो।